6 सितंबर 2021 को कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड कप 2021 के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान किया था और टीम के ऐलान के बाद सवाल उठ रहे थे कि ये टीम तब्दील होनी चाहिए और आज वो दिन आया जब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में 3 तब्दीलियां कर दी गई हैं उड़ान भरने से पहले। इस टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले खुशदिल शाह और रिजर्व विकेट कीपर आजम खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। हैदर अली टीम में आए हैं, उनके साथ फखर जमान टीम में शामिल हुए हैं और सरफराज अहमद। और टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। आकिब, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए, मजाक बनेगा, लेकिन तब्दीलियां हो गई हैं। सिकंदर बख्त साहब, क्या कहेंगे आप? लोग बहुत बात कर रहे थे कि टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए, टीम में तब्दीली हो गई है अब और हैदर अली टीम में आ गए हैं, फखर टीम में आ गए हैं और सरफराज। देखें, हसनैन की जगह उन्होंने जो सरफराज को लिया या फखर को लिया, व्हाटएवर, हसनैन इतनी अच्छी बॉल नहीं कर रहे थे। सरफराज को लेने का कोई मकसद नहीं होगा अगर वो बाहर बैठकर पानी पिला रहे हैं। सरफराज को उनको यूटिलाइज इसलिए करना चाहिए कि आपकी मिडल ऑर्डर में यू नीड अ पर्सन जो टीम की इनिंग्स को कैरी करे। आज ही हम प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि रिकी पोंटिंग ने ये कहा है कि वहाँ की पिचेज जो है बिल्कुल इस वक्त ओवर यूज हो गई हैं और वो लो रह रही हैं, तो जब इस किस्म की जो पिचेज होती हैं उसमें लंबे लंबे हिटें नहीं लगती बल्कि आपको ग्राफ्टिंग करके इनिंग्स बिल्ड करनी होती है। तो उस लिहाज से सरफराज का होना टीम में तो अच्छी बात है, मगर 11 में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा उसको 11 में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जहाँ फखर का ताल्लुक है, अब मुझे नहीं पता कि लोग उन पर इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों करते हैं। वो उनका जो रिकॉर्ड है अभी भी वो 3 मैच मिस कर गए हैं, इसका मतलब है कि वो इंजरी कैरी कर रहे थे। आखिरी मैच खेले तो 6ठे नंबर पे बैटिंग किए, उन्होंने 3 मैचों में 80 रन किए हैं। पाकिस्तान के लिए लास्ट 27 मैचों में उनका सिर्फ 150 है। उसके बावजूद भी जो है मैं हैरान होता हूँ कि जब कमेंटेटर्स और लोग ये कहते होते हैं कि जी फखर होंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, ये एक बहुत ही मुझे हंसी वाली बात लगती है कि लोग शायद उनका रिकॉर्ड नहीं देखते। तो चलिए, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, अगर वो रन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म तो होगा। और एक चीज़ जिसकी हम तस्दीक करना चाहेंगे वो ये कि कमर की तकलीफ का शिकार सोहेब मकसूद स्क्वाड में मौजूद हैं और बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस हवाले से ईमेल आ गई है और जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड को ऐलान किया गया है 3 तब्दीलियों के साथ। इससे पहले कि तब्दीलियाँ मैं आपको बताऊँ, 6 सितंबर 2021 को मोहम्मद वसीम ने जिस टीम का ऐलान किया था, पहले आपको वो दिखाते हैं। बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी एंड सुहेब मकसूद। और जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हमारे होंगे वह जी शाहनवाज दानी, उस्मान कादिर एंड फखर जमान। और ये वो टीम थी जिसका मोहम्मद वसीम ने अनाउंसमेंट किया था और अब इस टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले खुशदिल शाह और रिजर्व विकेट कीपर आजम खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। हैदर अली टीम में आए हैं, उनके साथ फखर जमान टीम में शामिल हुए हैं और सरफराज अहमद। टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, किस तरह देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अब इसी टीम के साथ जाना चाहिए जो 6 सितंबर को अनाउंस हुई है और अगर टीम में तब्दीली की गई तो मजाक बनेगा। देखिए, अगर आप सेटल्ड बोर्ड और जिस तरह से दुनिया अपनी क्रिकेट को चलाती है उस हिसाब से तो ज्यादा ही बात है, लेकिन ये है कि जब ये टीम बनी थी तो बहुत ही वीक और बेतुखी टीम थी। कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनके पीछे ना तो इतनी क्रिकेट थी ना तो परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए सबने क्रिटिसाइज भी किया कि किस तरह की टीम है। अगले 3 साल गुजारने के बावजूद भी अगर हमने आज भी नहीं पता कि हमारे
वो 20 लोग कौन होंगे जिनमें से टीम बनती है, तो इसीलिए क्रिटिसाइज हुआ कि तसलसल नहीं है। आखिर जावेद साहब, सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को टीम में रखना बेकार है, अगर उनको पानी ही पिलाना है तो फिर टीम में शामिल करना उनको बेकार है, एक ऐसे टाइम पर जब शाहनवाज धानी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, फास्ट बॉलर को आपने ड्रॉप किया है, विकेट कीपर को टीम में शामिल किया गया। अभी आपने दो नाम बताए थे तो मेरी मैं तीन आपको बता रहा हूँ, तीन तब्दीलियां टीम में की गई हैं, शाहनवाज खुशदिल शाह ड्रॉप हुए हैं, मोहम्मद हसनैन ड्रॉप हुए हैं और आजम खान ड्रॉप हुए हैं, और इनकी जगह सरफराज अहमद टीम में आए हैं, उसके साथ फखर टीम में आए हैं, और तीसरी तब्दीली जो इस टीम में की गई है वो की गई है उनके साथ हैदर अली की शक्ल में। देखिए सरफराज की आने की जो लॉजिक तो यही है कि अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हैं जो हालात हैं आजकल कोविड के और वो सारी चीज़ों के, तो आपके पास एक विकेट कीपर की ऑप्शन तो होनी चाहिए। अब अगर आपने दूसरा कोई सरफराज के अलावा कोई पिछले दो तीन साल में किसी को अगर आपने डेवलप नहीं किया तो फिर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो जो बेस्ट चॉइस है तो उसको रखना चाहिए था। तो सिकंदर बख्श साहब, आप किस तरह देखते हैं खुशदिल हसनैन आजम, इनको जो ड्रॉप किया गया है, हैदर अली को टीम में शामिल किया गया है, सरफराज को टीम में शामिल किया गया है, परफॉर्मेंस तो डोमेस्टिक क्रिकेट में दोनों ही की बेहतर नज़र आ रही थी, और फखर जमान कुछ बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं लेकिन उनको टीम में शामिल किया गया है, मोहम्मद हफीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि डेंगू से वो सेहतियाब हो गए हैं, उनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बहरहाल वो टीम में है। नहीं देखिए, मुझे ये बताइए कि मोहम्मद वसीम है टीम में? मोहम्मद वसीम बिल्कुल टीम में, फास्ट बॉलर टीम में है, तो मैं ये क्रिकेट बोर्ड से पूछूंगा कि उनकी क्या लॉजिक है, सेलेक्टर्स की क्या लॉजिक है, वहाँ के जो कोचेज हैं उनकी क्या लॉजिक है कि उनसे कहीं बैटिंग ही नहीं कराई गई, उन्होंने पूरे 7 मैच उनकी टीम खेली है उसमें से वो 4 मैच खेले और 4 में से उन्होंने 45 रन किए थे, शायद आखिरी मैच में कितने की मुझे नहीं याद, और उनकी सिर्फ 5 विकेटें थी। यार अगर आप किसी को वर्ल्ड कप में ले जाते हैं और वो पाकिस्तान का प्लेयर है तो उसको आप सिचुएशन पे बैटिंग तो कराएं, आप कह रहे हैं कि वो ऑलराउंडर है उसको नहीं कराए, फिर इसी तरह मोहम्मद आसिफ अली जो है जो उनके बैट्समैन है वो आखिरी में उनको 4th नंबर पे भेजा गया जब 7वां मैच था, उससे पहले वो 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे और उनसे ऊपर शादाब नवाज रोहिल नजीर ये बैटिंग कर रहे थे। सिकंदर बख्श साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आकिब जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और जब टीम जब अनाउंस हुई थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रमीज हसन राजा कह रहे थे इतनी ज़्यादा तनकीद, इतने ज़्यादा सवालात इस टीम के हवाले से क्यों होते हैं, हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि हो गया वो जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे, जिसके हवाले से लोग बात कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान की वो टीम जो कि 6 सितंबर को अनाउंस की गई थी, तीन तब्दीलियां कर दी गई हैं टीम में, खुशदिल शाह की जगह टीम में फखर जमान को शामिल किया गया है, उसके अलावा आजम खान ड्रॉप, सरफराज टीम में इन, और हैदर अली टीम में शामिल हुए हैं फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की जगह पर। पहले आपको ये दिखाते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रमीज हसन राजा साहब लोगों से ही सवाल कर रहे थे, आप इतने सवाल क्यों करते हैं टीम पर, दुनिया में कहीं इतनी बातें नहीं होती टीम के ऊपर जितनी पाकिस्तान में होती हैं। वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ टीम सिलेक्शन ही नहीं होती है, लग टीम जो है मतलब है 92 वर्ल्ड कप की 3.5 बॉलर से हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, सो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिट इन होती हैं, मगर मेरी गुजारिश आपसे ये है कि कहीं दुनिया में इतनी ज़्यादा बहस और मुबाहसा नहीं हुआ है सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम को ले कर जितना कि यहाँ पर हुआ है, सो थोड़ा सा आपको एहसास होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो टीम सेलेक्ट की है उसको बैक करें, इसमें बहुत पोटेंशियल है, एक डायरेक्शन भी है फ्यूचर की, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी हुए तो एक कोशिश है, और कोशिश में आप हारते हैं एज लॉन्ग एज के आपका जो GPS है किबला है वो दुरुस्त है, और मेरे आने से मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की थोड़ी बहुत मेरी बैकग्राउंड और नॉलेज है, सो मैं जहाँ जहाँ होगा ज़रूर इसके ऊपर बात भी करूँगा और डायरेक्शन भी दूंगा, अदरवाइज मेरे यहाँ पे चेयरमैन आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 13 सितंबर को टीम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए रमीज हसन राजा ने कहा था कि इस टीम को बैक करें, लेकिन सिकंदर बख्श साहब ये रिवर्स गियर है या यू टर्न है, तीन तब्दीलियाँ हो गई हैं टीम में? देखिए अभी एक बात बोली है रमीज ने कि मैं क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट के हिसाब से बात करता हूँ, तब्दीली तो हो गई चले कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ क्रिकेट की लॉजिक समझना चाह रहा हूँ, क्रिकेट की स्ट्रेटेजी समझने जा रहा हूँ कि जब क्रिकेटर एक क्रिकेट वो रमीज राजा से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, आप क्रिकेटर हैं
कि आप ये नहीं देख रहे थे कि आसिफ अली जो है वो हमारा मेन बैट्समैन होगा जो कि साथ में छठे नंबर पे आके बैटिंग करेगा, उसको आप बैटिंग ही नहीं करा। तो यही सवाल हम कर लेते हैं आकिब जावेद साहब से, क्योंकि रमीज हसन राजा तो हमारे साथ मौजूद नहीं है। आकिब आप क्या कहेंगे, जिस टीम को बैक करने की बात कर रहे थे रमीज हसन राजा साहब, उन्होंने ही उस टीम में तब्दीली कर दी? वही बात है ना कि अगर आप हम पहले जब टीम बनी तो हमने इसको पहले तो क्रिटिसाइज किया क्योंकि हमने ये पता नहीं थी क्योंकि उसमें जो तीन चार प्लेयर है क्वेश्चन मार्क थे इनके ऊपर, जब बन गई तो फिर हमने फिर यही बनता है कि होगी अनाउंस तो फिर इसको बैक कर देते हैं। लेकिन आज फिर उन्होंने चेंज टीम हुई है और कल को हमने फिर जो नहीं बनी अब इसको बैक करने की तरफ चल पड़ेंगे। आई थिंक ये जो चीजें हैं जो बाकी मुल्कों में बाकी दुनिया में उनके कुछ तौर तरीके हैं, कोई इस तरह से एक सिस्टम है कि आपने यहाँ परफॉर्म करना है तो यहाँ आना है, एक पाथ से बने हुए हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली ये चीजें होती हैं, इसलिए कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त साहब। सिकंदर बख्त साहब कहते हैं कि जी अब हम इस टीम को क्या सवाल उठाएंगे, टीम में तब्दीली हो गई है। आकिब जावेद साहब कहते हैं कि मजाक उड़ेगा, आपने अपनी ही अनाउंस करदा टीम में तब्दीली कर दी थी। एक नज़र डाल लेते हैं जनाब मोहम्मद हफीज़ के आदाद व शुमार के ऊपर बैन अवी क्रिकेट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लेकिन उनके हवाले से कुछ शकों को शुबात पाए जा रहे थे कि वो टीम में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो जनाब टीम में जो है एक बार फिर शामिल हैं और 113 मैच खेले हैं T20 के, 2429 रन किए, 99 नॉट आउट उनका बेहतरीन स्कोर है, 4 विकेट 10 रन केवल उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। और कबल इसके कि आपसे ज़्यादा चाहें जाते जाते आपको ये बताते चलें कि अब से थोड़ी देर बाद वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनने वाले जो खिलाड़ी हैं वो लाहौर के मुकामी होटल में रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पहली कोविड टेस्टिंग हो चुकी है और दूसरी कोविड टेस्टिंग उनकी होगी जनाब कल सुबह, उसके बाद कल से लाहौर में इन खिलाड़ियों का जो कैंप है वो शुरू हो जाएगा और 14 तारीख को वर्ल्ड कप रवानगी से कबल ये खिलाड़ी एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे। कबल इसके कि आपसे इजाज़त चाहें एक बार फिर आपको बता दें वर्ल्ड कप की टीम में 3 तब्दीलियां हो गई हैं, कुछ दिल शाह की जगह पाकिस्तान टीम में हैदर अली आ गए हैं, हसनैन की जगह फ़खर आ गए हैं और आज़म खान की जगह साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टीम में जगह मिल गई है। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।